देखिए ये कंडी जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है कुपवाड़ा ज़िले का, वहाँ पे पुलिस और आर्मी ने एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के मिलने पे सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान वहाँ पे तीन जो टीनेजर्स हैं वो पकड़े गए, और जब उनको अप्रीहेंड किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो पता चला कि वो एक अपने ही गांव के, क्योंकि ये सोपुर के, डोरू सोपुर के रहने वाले हैं, वहाँ के एक एक्स टेररिस्ट की बातें सुन के और उसको ये उससे ये रास्ता समझ के कि वो पाकिस्तान के लिए इधर इधर से जाया करता था, या इस कंडी के फॉरेस्ट से जाके और फर्दर लोलाब क्रॉस करके पाकिस्तान गया था, वही रास्ता अपना के, ये भी एक, मैं तो ये कहूँगा कि टेररिज्म से ग्लोरी, उनकी जो ग्लोरीफिकेशन होती है उसको, टेररिस्ट की ग्लोरीफिकेशन को पढ़ के और उस जो एक्स टेररिस्ट है उसकी बातें सुन के मिसगाइड होके और उस रास्ते पे निकले थे कि ये पाकिस्तान जाना चाहते थे। और टाइमली जब इनको वहाँ पे अप्रीहेंड किया गया तो पुलिस आर्मी सब, हम दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनने बच्चों की काउंसलिंग की और इनके पेरेंट्स को भी बुलाया, और आज हम इनको इनके हवाले कर रहे हैं। सर, जिसकी राह पे ये चल रही थी, जिन्होंने इनको गाइड किया, मिस गाइड किया था, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है इस बिल्कुल, वक्त? उसको हमने अपने काउंटर पार्ट्स जो हैं वो उनको इतला दी गई है, और वो उसकी क्वेश्चनिंग जो है वो अलग से करेंगे। अगर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स यहाँ नहीं बसते हैं, लेकिन अमन शांति के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो ये गलत राय इख्तियार करते हैं? क्या आप मैसेज देना देखिए चाहते हैं? पेरेंट्स को सबसे प्राइम